डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे ए ए ए रे ए ए ए डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे ए ए ए रे ए ए ए। नमस्कार दोस्तों, हमें पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये नाचने गाने वाला गाना और बड़ा सीरियस होके गा रहे हैं। जब दिल में आग लगी हो, घर पे परेशानी हो, माहौल खराब हो, तो गाना भी कोई नहीं गा सकता खुशी से। हम परेशान हैं, हम क्या करें? बता बेटे, जो भी बात करनी है आप बताओ। पापा नहीं करना हो? कोई नहीं, आप बताओ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी बेटी गाने गाती है और मैं म्यूजिक बनाता हूँ। हमने घर पे एक होम स्टूडियो बनाया है और मुझे ये नहीं समझ आती कि हम और भी कवर सॉन्ग देखते हैं लड़कियों के, उनके तो मिलियन आते हैं, मतलब लोग देखते हैं। इसके 3-4-5 वो भी हम घर वाले देखते हैं, कोई देखता नहीं है गाना। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी सिंगर इतनी मेहनत करती होगी जितनी मेरी बेटी करती है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बर्तन घिसने, पोछे लगाने, कपड़े धोने, यार कोई छोटी बात नहीं है। और क्या करे एक सिंगर, क्या करे जो घर पे बैठा है, और करे भी क्या, आप बताइए मुझे। और मैं मुंबई में देखता हूं जो सिंगर बड़ी से बड़ी स्टार है ना, वो भी पता नहीं सुबह पता नहीं 6-6 बजे उठती है, ये 4 बजे उठती है शाम को। और बाकी रही बात मेरी, मुझे पता है मैं इसका गाने बनाने में कितनी मेहनत करता हूं। 3-3-4-4 बार मैं ऊपर जाता हूं, नीचे आता हूं, सीढ़ियां चढ़ के खाना खाने, कभी चाय पीने, मुझे पता है 8-8 मिनट तो मुझे कभी कभी गाना बनाने में लग जाते हैं। और बताओ मैं क्या करूं। और मैंने म्यूजिक बनाने में कभी किसी की नकल नहीं की, मैंने आज तक ये भी नहीं देखा कि हारमोनियम लोग कैसे बजाते हैं, ना ही मुझे आता है। ये देखो, मतलब नहीं बनता यार, फिर कहेंगे नकल की है। ये कहां से बजे? अच्छा बता दिया करो बेटे। जिनको कुछ नहीं आता वो सुपरस्टार बन गए हैं, और जिसको इतना क्लासिकल आता है उसको। अभी मैं आपको सुनाता हूँ, अभी देखना, जो मैं राग आपको सुनाता हूँ वही राग पकड़ लेना, ठीक है? ये बघेश्वरी राग है। सा नी दा नी सा मा गा मा पा नी सा, बन गया। नहीं कोई बात नहीं, देखो अभी हम ना वीडियो बना रहे हैं तो नहीं फिर होता, मतलब वैसे तो 3 साल पहले इसने रियाज भी किया था, चलो छोड़ो। पर मुझे ये नहीं समझ आती कि ये गाने रिकॉर्ड करती है, आप इसको व्यू क्यों नहीं देते, लाइक क्यों नहीं देते, आखिर क्या खूबी है इसमें, क्या कमी है इसमें, बताओ। मैं और लड़कियों के भी गाने सुनता हूं कवर सॉन्ग, वो कितना कितना कुछ करती, कभी वो सुर लगाती हैं, ताल में भी गाना है उन्होंने, अच्छा भी गाना है, आवाज भी अच्छी है, उनको आप सुन रहे हो। ये बेचारी कुछ नहीं करती, ना कभी इसने सुर का ध्यान दिया, ना कभी ताल का, ना आवाज का, ना रियाज किया, कुछ नहीं किया। जो बेचारा कुछ नहीं कर रहा फिर भी आप उसको ऐसे कर रहे हो, बेटे तू फिक्र मत कर। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी जरूर सिंगर बनेगी, सुपरस्टार बनेगी, सिर्फ तीन जन्म उसको और रहने तो, देखना। नहीं पापा, मैं इसी जन्म में अच्छी सिंगर बन के दिखाऊंगी। वो कैसे बेटा? जिस दिन मुझे आपकी जगह सचमुच का कोई म्यूजिक डायरेक्टर मिल गया ना, फिर देखना।